आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? जब इनपुट डिवाइस के द्वारा डाटा इनपुट किया जाता है कंप्यूटर के अंदर यूजर के द्वारा, तो ये हमें पता है कि जब भी डाटा यूजर इनपुट करना शुरू करता है उसी समय वो बाइनरी में कन्वर्ट होकर सीपीयू के अंदर चला जाता है। सीपीयू में अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो डाटा को प्रोसेस करता है और मेमोरी के साथ कनेक्शन में रहता है, क्योंकि प्रोसेस होकर डाटा जो है मेमोरी के पास जाएगा और जब उसका रिजल्ट तैयार हो जाएगा, इंफॉर्मेशन बन जाएगी डाटा की, तो वो जो डाटा है बाइनरी फॉर्म में आउटपुट डिवाइस की तरफ चला जाता है। लेकिन आउटपुट डिवाइस पर डिस्प्ले होने से पहले, क्योंकि वो डाटा बाइनरी फॉर्म में है, तो उसका हमारी भाषा में चेंज होना ज़रूरी है। जो भी हम भाषा में कंप्यूटर चला रहे हैं, हिंदी में चला रहे हैं तो हिंदी में डिस्प्ले होगा, इंग्लिश में चला रहे हैं तो इंग्लिश में डिस्प्ले होगा, मतलब बाइनरी लैंग्वेज से वो हमारी लैंग्वेज में चेंज होना ज़रूरी है, तभी तो हमें समझ में आएगा। तो यही काम होता है आउटपुट डिवाइस का, कि जो जानकारी प्रोसेस सीपीयू ने की है बाइनरी फॉर्म में, उसे हमारी समझ में आने वाली भाषा में चेंज करना, ह्यूमन बीइंग के समझ में आने वाली भाषा में चेंज करना और उसे दिखाना। तो आउटपुट डिवाइस क्या है? इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द डाटा, कन्वर्ट्स द बाइनरी डाटा। From CPU to human readable form. Which is known as information. तो आउटपुट डिवाइस क्या है? ये ऐसे यंत्र होते हैं जो बाइनरी डाटा इनके पास आ रहा है सीपीयू से, उसे ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में चेंज करते हैं, मानव की समझ में आने वाली भाषा में चेंज करते हैं, और उसे हम इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। जब हमने बेसिक डायग्राम कंप्यूटर की थी तो वहां देखा था हमने कि इनपुट डिवाइस में क्या इनपुट होता है, डाटा, और प्रोसेस होने के बाद आउटपुट डिवाइस में वो क्या बन जाती है, इंफॉर्मेशन। ये हम कर चुके हैं, ये बात समझ में आई? अब आउटपुट डिवाइस जो है वो उनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, कॉमनली जो हम देखते हैं, सबसे कॉमन एग्जांपल और सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो है मॉनिटर। मॉनिटर के बाद है प्रिंटर। ज्यादा जो आप देखेंगे ये दोनों यूज होते हैं, मॉनिटर और प्रिंटर, और इनके अलावा और भी डिवाइसेस होते हैं जैसे प्लॉटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, ठीक है, ये सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं, और भी हो सकते हैं, तो ये कॉमनली जो देखने को मिलते हैं वो ये है। इनमें देखो आउटपुट जो आएगी, जो मॉनिटर पर आउटपुट आएगी, उसे हम सिर्फ देख सकते हैं क्योंकि वो सॉफ्टवेयर की फॉर्म में आ रही है। तो मॉनिटर पर मान लो आपने कोई टाइपिंग की, एमएस वर्ड में आप टाइपिंग कर रहे हैं, तो अगर वो मॉनिटर पर आप देख रहे हैं उस डॉक्यूमेंट को, इसका मतलब होगा कि आप किसी सॉफ्टवेयर पर देख रहे हैं, उसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी।
और यदि आपने वही डॉक्यूमेंट प्रिंटर से निकाला तो वो पेपर के ऊपर निकल रहा है, उसको बोलेंगे हार्ड कॉपी। समझे? अगर किसी स्क्रीन पर आपको दिख रही है, किसी सॉफ्टवेयर में आप जानकारी को देख रहे हैं, तो वो होगी सॉफ्ट कॉपी। लेकिन अगर कागज पर प्रिंट होके जानकारी निकल रही है, इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो आप, तो उसको क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपी। और इनमें से थोड़ा जो अलग लग रहा है वो स्पीकर लग रहा है, तो इसमें से आपको पता होना चाहिए इसमें से क्या आउटपुट निकलेगी। बाकी तो क्या है, इसमें स्क्रीन पर आएगी, इसमें मॉनिटर में स्क्रीन पर आउटपुट आती है, प्रोजेक्टर में दीवार पर आएगी, प्रिंटर और प्लॉटर जो है कागज पे या कपड़े पे निकालते हैं, ये तो एक ही जैसे हैं। स्पीकर में जो है वो आउटपुट, स्पीकर से क्या आउटपुट होगा? आवाज। सर ऑडियो ऑडियो की फॉर्म। हाँ ठीक है, ऑडियो की फॉर्म में डेटा आएगा। इनमें से सबसे पहले हमने करने हैं मॉनिटर्स, कितनी प्रकार के मॉनिटर होते हैं और उनकी क्या क्या वर्किंग है, काम कैसे करते हैं। मॉनिटर्स, तो मॉनिटर क्या होता है? इज एन आउटपुट डिवाइस। डिस्प्ले इन वीडियो फॉर्म, विजुअल फॉर्म। मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है जो हमें आउटपुट कैसे दिखाता है, विजुअल फॉर्म में। विजुअल का मतलब होता है जैसे चलने वाली जो चीज होती है, चलचित्र, वीडियोस की फॉर्म में डेटा हमें दिखाता है स्क्रीन के ऊपर। तो मॉनिटर जो है वो कितनी प्रकार के होते हैं? CRT, LCD, LED, प्लाज्मा, इस तरह के मॉनिटर्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहले हमने करना है CRT। CRT जो मॉनिटर है, अगर आपके घर में पुराने कोई कंप्यूटर हो या पुराने टेलीविजन हो, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा जो मैं बना रहा हूं उसका। CRT मॉनिटर सामने से कुछ इस प्रकार के नजर आते हैं, इस तरह की हमें स्क्रीन दिखाई देती है और नीचे कुछ बटन वगैरह लगे होंगे उसके। और इसी को अगर साइड से देखें, CRT मॉनिटर को, तो ये हमारे पास हमें कुछ इस तरह से इसकी शेप होती है। अब
हम जो इसको देखेंगे तो इस इधर से देखेंगे, ये थोड़ी आई जैसे बना दी मैंने आंख, कि इसको जो व्यूअर है इधर से देख रहा है। तो सीआरटी मॉनिटर काम कैसे करता है, उस पर इमेज कैसे बन जाती है? स्क्रीन्स के बारे में समझने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि कैसे किसी स्क्रीन पर इमेज बन जाती है। तो पहले तो उसके लिए पता होना चाहिए सीआरटी के जो स्क्रीन बनाई है ये ऐसे छोटे छोटे भागों में विभाजित की होती है। लाइनें थोड़ी टेढ़ी बन रही हैं, ये सीधी होगी बिल्कुल, और अभी जल्दी जल्दी में ऐसे बनेगा। तो सीआरटी की जो स्क्रीन होगी, समझ में आ रहा है सबको क्या बनाया है? ये सामने से है स्क्रीन और ये साइड से, पता लग रहा है ना? अब ये जो स्क्रीन है ये इस तरह से छोटे छोटे भागों में बंटी होती है, और ये जो भाग एक बनाया है मैंने ये बहुत ही छोटा होगा, समझने के लिए बड़ा बना दिया गया है। मतलब ये जो एक भाग है जैसे आपका मैथमेटिक्स में ग्राफ पेपर होता है ना, उसी तरह से स्क्रीन भी छोटे छोटे भागों में बंटी होती है, लेकिन ग्राफ पेपर का एक बॉक्स बहुत बड़ा होता है। स्क्रीन का जो एक बॉक्स होगा या एक सेल होगा या एक पिक्सल होगा, इसको पिक्सल बोलते हैं स्क्रीन में, क्या ये पिक्सल, इसका साइज मैंने यहां पर बड़ा बना दिया है। स्क्रीन पर इसका साइज बहुत छोटा होगा, मैं बना भी नहीं सकता, मैं सिर्फ एक डॉट बनाऊंगा, इतना होगा, इतना भी नहीं होगा जितना मैंने बन गया ना गलती से, इससे भी बहुत छोटा होगा। बात समझ में आई? यस सर। अब होता क्या है, जो आपका सीआरटी है इसमें यहां पर पीछे इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स छोड़ेगी। फिर क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन है पीछे से स्क्रीन पर इस तरह गिरना शुरू होंगे। इलेक्ट्रॉन गन से जब इसको करंट दिया जाएगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स स्क्रीन पर गिरना शुरू होंगे, ऊपर से लेके नीचे तक। ऊपर से नीचे कैसे? पहले जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो पहले पिक्सल पर गिरेगी, फिर दूसरे पिक्सल पर गिरेगी, फिर तीसरे पिक्सल पर गिरेगी, फिर चौथे पर गिरेगी, फिर पांचवें पे, फिर छठे पे, समझ रहे ना? ऐसे पहली लाइन पूरी करेगी, फिर दूसरी लाइन में गिरना शुरू होगी, एक दो तीन चार पाँच छः सात, फिर तीसरी लाइन में गिरेगी, फिर चौथी लाइन में गिरेगी, फिर पांचवी लाइन में गिरेगी, इसी तरह से वो पूरी स्क्रीन को कवर करेगी। इलेक्ट्रॉन भी पहले डब्बे से शुरू करेगी, पहले पिक्सल से गिरना शुरू करेगी और लास्ट पिक्सल तक गिरेगी। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन बीम इतनी जल्दी गिरती है कि हमारी जो ह्यूमन आई है उसको पता नहीं लगता है कि गिर रही, इतनी जल्दी गिर रही है, क्योंकि हमारी आंख की भी एक क्षमता है देखने की और समझने की, तो वो हमारी आंख की और दिमाग की समझ से परे चले जाती है। इतनी जल्दी होती है वो कि हमें लगता है कि ये स्क्रीन एक टाइम में पूरी जगी हुई है। और ये जो ऊपर से नीचे स्कैन कर रही है इलेक्ट्रॉन बीम, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ज्यादा कितनी कि ये एक सेकंड में साठ बार ये काम कर देती है। कौन सा काम?
ऊपर से नीचे स्कैन करने का काम, एक सेकंड खुद आइडिया लगा लो कि एक सेकंड कितना होता है, उसमें इसने 60 बार स्कैन कर देना है ऐसे ऊपर से नीचे तक 60 बार। तो जब कोई चीज़ 60 बार एक सेकंड में स्कैन कर देगी तो हमें लगेगा कि पूरी स्क्रीन ऑन ही है, जबकि वो पूरी नहीं ऑन होती है, एक एक पिक्सल जग रहा होता है। बात समझ में आई? समझ गए यहां तक? सीआरटी की वर्किंग समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सिंपल, ये कोई बड़ी ये नहीं है। आपके जो स्मार्टफोन आपने पकड़े हुए हैं और मैं यहाँ से लैपटॉप पे पढ़ा रहा हूँ, वो स्क्रीनें भी सारी ऐसे ही काम करती हैं। तो ये बेसिक है किसी भी स्क्रीन का, इसको ध्यान से समझ लेना कैसे कोई स्क्रीन पिक्चर को बनाती है। अब मान लो कि यहाँ पर स्क्रीन में कहीं ए लिखा हुआ है इधर, और हाँ ये जो इलेक्ट्रॉन गिर रहे हैं इधर, यहाँ पर फास्फोरस होता है लगा हुआ, फास्फोरस की कोटिंग होती है, फास्फोरस केमिकल की यहाँ पर कोटिंग होगी। और फास्फोरस जो है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जब इलेक्ट्रॉन फास्फोरस पर गिरेंगे तो वो जगमगाएगा, लाइट छोड़ेगा, और वही लाइट हमें बाहर हमारी आंख को दिखती है पिक्चर्स के रूप में या वीडियो के रूप में, जो भी आप देखते हैं। अब ये तो बात समझ में आ गई कि कैसे एक स्क्रीन मॉनिटर की, सीआरटी की काम करती है। अब दूसरी बात, इस पर इमेज कैसे बन जाती है, इमेज जो हम देख रहे हैं वो कैसे तैयार हो जाती है। तो मान लो आपको स्क्रीन पर ए लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो कैसे दिखाई देगा? यहां पर जो मैंने पिक्सल बनाए हैं बड़े हैं, मैं पहले ही बोल दिया ये पिक्सल बहुत छोटे होते हैं। ये आपने दिमाग में रखनी है बात कि पिक्सल बहुत छोटे होते हैं, सुई की नोक के बराबर, उससे भी छोटे हो सकते हैं। जितने आप बना दिए हैं उतने बड़े नहीं होंगे, ये तो सिर्फ समझने के लिए बनाया है। अब यहां देखो, ये बना ना, ए बन गया। कैसे बना? ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है ये स्कैन कर रही है हर लाइन को, तो जहां पे कुछ बनाना होगा वहां पर ये लाइट गिराएगी, जहां पर कुछ नहीं बनाना है वहां लाइट नहीं गिराएगी, इलेक्ट्रॉन बीम नहीं गिरेगी। तो लाइट सिर्फ कहां से बाहर आएगी, जहां ए बनाना है इसने, और जहां से लाइट बाहर आएगी वही हमें दिखाई देगा ह्यूमन आई को। इस तरह से कोई भी इमेज जो है हमें स्क्रीन पर दिखाई देती है। और फिर आगे की, ये चलो, ये लो, ये तो फोटो है, वीडियो कैसे चल पड़ता है? मान लो ये जो ए है यहां से यहां चल रहा है लेफ्ट टू राइट स्क्रीन पर, तो तब क्या होगा, पिछले वाले पिक्सल बंद होते जाएंगे, अगले वाले जो है वो ऑन होते जाएंगे, और हमें क्या लगेगा कि ये जो चीज है ये चली हुई है स्क्रीन पर। और हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो फास्फोरस है स्क्रीन पर वो अलग अलग जगह से चमक रहा है बस, और हमें वो चलचित्रों के रूप में या वीडियो या इमेजेस के रूप में दिखता है। एनिमेशन के द्वारा आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सीआरटी की एनिमेशन देखो, ये मान लो आपको इधर देखना, पहले स्क्रीन पर डी लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है? तो वो डी आपको कैसे नजर आ रहा है, यहां पर छोटे छोटे पिक्सल दिखाई दे रहे हैं ना, यहां पर फिर बड़े बनाए हैं, ये बहुत छोटे होते हैं, समझाने के लिए बड़े बनाए हैं। तो एक एक पिक्सल पर इलेक्ट्रॉन बीम गिर रही, इधर बता भी रहा है ये गिर रही है इलेक्ट्रॉन बीम, ये आपकी इलेक्ट्रॉन गन है, ये डिफ्लेक्शन कॉइल्स हैं जो
इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करेंगे कि कहाँ गिराने हैं। तो और ये कैथोड रे ट्यूब का यानी कि टीवी का पिछला पार्ट है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गिर रहे हैं, देखो ऊपर से नीचे तक, और जहाँ जहाँ ये गिरेंगे वहाँ वहाँ से स्क्रीन चमकेगी, फॉस्फोरस चमकेगा, और जहाँ जहाँ नहीं गिरेंगे वहाँ पर नहीं चमकेगा। तो हमें तो सिर्फ वही पार्ट दिखाई देगा जो चमक रहा है, जिससे लाइट बाहर आ रही है। तो क्या होगा, बन रहा है ना बेटी? यस सर। नहीं भी आई होगी तो मैंने बताया है कि मैं उस जो वेबसाइट बताई वहां पर डाल दूंगा, फिर देखते रहना, समझ लेना वहां से। इस तरह से एक सीआरटी जो है वो काम करता है। अब रह गई रंगों की बात कि रंग कैसे बन जाते हैं, कि डी तो यहाँ ब्राउन कैसे दिख रहा है, कभी रेड भी दिखता है, सारे कलर दिख जाते हैं हमें स्क्रीन पर, तो वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि एक पिक्सल जो है, यहाँ पर हम फिर से एक पिक्सल बना रहे हैं, बड़ा करके बना रहे हैं, पर ये ध्यान में रखना ये बहुत छोटे साइज का होता है। ये एक पिक्सल है मान लो, तो इसमें तीन कलर होते हैं, कौन कौन से? रेड, ग्रीन और ब्लू। रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, एक ये तीन नहीं मान लेना, एक पिक्सल है। तो एक पिक्सल में क्या बताया, कितने सब पिक्सल्स होते हैं? तीन। पहला होता है रेड, दूसरा होता है ग्रीन और तीसरा होता है ब्लू, आरजीबी। क्या बोलते हैं इसको? आर जी बी, रेड ग्रीन ब्लू। कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स में हमने देखा था कि कैसे एक पिक्चर जो है स्क्रीन पर बनती है। स्क्रीन चाहे आपकी, स्क्रीन का मतलब मॉनिटर से है, वो स्क्रीन चाहे आपकी सीआरटी की हो, एलसीडी की हो, एलईडी की हो, प्लाज्मा की हो, बेसिकली जो पिक्सल्स हैं वो पिक्चर्स को बनाते हैं। पिक्सल्स में कंप्यूटर जो है अलग अलग कलर्स भरता है और अलग अलग जगह उनको स्क्रीन पर दिखाता है, जिस वजह से हमें कोई भी पिक्चर स्क्रीन पर दिखाई देती है या कोई भी वीडियो स्क्रीन पर दिखाई देता है। एलईडी, पहली बात की स्कैन कैसे हो रहा है, स्क्रीन स्कैन कैसे हो रही है। दूसरी बात, आपको ये पता होनी चाहिए कि लाइट कहां से आ रही है। कोई बता सकता है कि सीआरटी में लाइट कहां से आती है? हमारी आंख को कैसे, हमारी आंख को तभी दिखाई देता है अगर लाइट गिरेगी कहीं। इसमें लाइट कहां से आ रही है सीआरटी में? सर, इलेक्ट्रॉन गन से। हाँ, जो इलेक्ट्रॉन बीम फॉस्फोरस पर गिर रही है तो फॉस्फोरस चमक रहा है, जब चमकेगा तो हमारी आंख को दिखाई देगा। ठीक है, और तीसरी बात हमें ये पता होनी चाहिए कि कलर्स कैसे चेंज हो रहे हैं। अगर इन तीन चीजों की समझ है तो हमें किसी भी स्क्रीन की वर्किंग जो है आसानी से समझ में आ जाती है। पहली बात कि कैसे पूरी स्क्रीन सारे पिक्सल्स को क्या टेक्नोलॉजी स्कैन कर रही है, दूसरा लाइट कहां से आ रही है जो हमारी आंखों तक पहुंच रही है, और तीसरा ये कलर कैसे चेंज कर रहे हैं।
तो सीआरटी में तीनों ही बातें हमने कर ली हैं। ये पहली बात हमने स्कैनिंग की कर ली कि स्कैनिंग का काम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गन करती है। स्कैनिंग के बाद दूसरी बात भी हमें पता लगी कि लाइट हमारी आंखों तक कैसे पहुंच रही है। फॉस्फोरस जो है चमकता है लाइट के इसलिए। और तीसरी बात थोड़ी सी रह गई थी उस दिन, कलर कैसे चेंज हो रहे हैं। तो उसके लिए आपको बताया गया था कि एक पिक्सल जो है, अच्छा कोई ये बताना बोला एक पिक्सल का साइज कितना होता है लगभग। सर सुई की नोक से भी छोटा। सुई की नोक से भी काफी छोटा होगा। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि ये बड़ा करके बनाया है पिक्सल, इसको स्क्रीन ही मत समझ लेना, ये सिर्फ एक पिक्सल है, स्क्रीन ही बनाई हुई है। तो आपको ये बताया गया था कि जो पिक्सल है उसके तीन पार्ट्स होते हैं, एक रेड, एक ग्रीन और एक ब्लू। मतलब एक पिक्सल जो होगा स्क्रीन में वो तीन सब पिक्सल्स का बना होगा, जिसमें अंदर उसमें रेड, एक में रेड फॉस्फोरस होगा, एक में ग्रीन होगा और एक में ब्लू होगा। अब ये तीन ही कलर क्यों है? ये तीन कलर इसलिए हैं क्योंकि अगर आपने ड्राइंग पढ़ी है 8वीं तक, जो कि पढ़ते हैं सारे ही, तो उसमें आपने पढ़ा होगा प्राथमिक रंग या प्राइमरी कलर्स, क्योंकि लाल, हरा और नीला जो है वो प्राइमरी कलर्स होते हैं। क्योंकि लाल, हरा, नीला जो है वो प्राइमरी कलर्स होते हैं। प्राइमरी कलर का मतलब होता है कि दुनिया में जितने भी रंग हमें नजर आते हैं वो इन्हीं को मिलके बनते हैं। चाहे आप संतरी कलर ले लो, चाहे आप येलो ले लो, चाहे आप ब्लैक ले लो, वाइट ले लो, वो इन्हीं तीनों को मिक्स करके सारे कलर बनते हैं। इन तीनों को अलग अलग क्वांटिटीज में मिक्स करके आप कोई भी कलर निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसा आपने 6वीं 7वीं 8वीं ड्राइंग वगैरह में आप पढ़ते हैं और आप बनाते भी हैं। जब आप आर्ट करते हैं तो आप जैसे लाल और हरा थोड़ा थोड़ा मिलाते हैं तो संतरी कलर शायद इस तरह का बन जाता है। तो यहाँ पर भी वैसा ही होता है कि अब देखो यहाँ पर हमने ए जो है ऑरेंज कलर का बनाया मान लो, तो ये ऑरेंज कैसे दिखेगा? ऑरेंज बनाने के लिए क्या होगा, रेड और ब्लू तो बंद होगा, जो ब्लू सब पिक्सल है वो ऑफ होगा, और रेड और ग्रीन को मिला के ऑरेंज कलर बन जाएगा। पर वो कंप्यूटर डिसाइड करेगा कि कितना रेड मिलाना है और कितना ग्रीन मिलाना है, ठीक है। जैसे हम सपोज कर लेते हैं कि साठ % रेड और 20% ग्रीन मिलाने से ऑरेंज बन जाता है। ये हमने ऐसे ही बनता है, सपोज किए, पर ये पक्का नहीं है, वो आप नेट पे देख लेना। लेकिन कुछ ऐसा करने से कि 60% अगर रेड हो और 20% ग्रीन हो तो ऑरेंज बन जाता है। तो यहां से क्लियर है कि ये जो तीन सब पिक्सल हैं कोई भी कलर बना देंगे, बस ये डिपेंड करेगा कि कितनी इलेक्ट्रॉन्स कितने गिराने हैं यहाँ पर, 60% गिराने हैं कि 20% गिराने हैं कि 10% गिराने हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स गिरेंगे उतना ही वो कलर चमकेगा और उसका कॉम्बिनेशन बनेगा और कोई भी कलर उस पिक्सल का हो जाएगा। इज एवरीबडी ऑनलाइन एंड कनेक्टेड? यस सर। एवरीबडी? Only one girl is giving response. Others? Okay. तो अब ये तीनों बातें जरा दिमाग में रखना।
स्कैनिंग की टेक्नोलॉजी क्या है, लाइट कहाँ से हमारी आंखों तक आ रही है और कलर कैसे चेंज हो रहे हैं, अब यही सभी स्क्रीनों पर अप्लाई होंगे। तो CRT का तो वर्किंग आपको समझ में आ गई। दूसरी तरह का जो मॉनिटर है वो है LCD। उससे पहले आप CRT के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लो, बुक साथ में रखेंगे। तो एडवांटेजेस में जो CRT मॉनिटर है उसका जो रिजोल्यूशन है, रिजोल्यूशन का मतलब है, होता है कि कितने पिक्सल्स हैं पूरी स्क्रीन, ठीक है। रिजोल्यूशन क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमने एक इमेज बनाई, ये देखो, तो आपने कई बार देखा भी होगा मार्केट में, जैसे TV वगैरह बनते हैं, HDTV बन रहे हैं या मॉनिटर बन रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी के लिए कुछ ऐसा लिखा गया होता है। मल्टीप्लाइड बाय सब सभी, इस तरह की चीजें लिखी होती है कुछ, इसी को कहा जाता है रिजोल्यूशन। ज्यादा भी हो सकता है, जैसे अगर HDTV का लेगा तो लेंगे तो वो ज्यादा होगा 3000 से ऊपर, और ये भी ऊपर होगा 1080 कुछ समथिंग। तो ये है क्या 1280, क्या है 1280 का मतलब है कि इस तरफ को कितने पिक्सल हैं, ठीक है। 1280 का मतलब है कि इस तरफ को अगर गिनना शुरू करें तो 1280 पिक्सल होंगे एक लाइन में, सभी में नहीं, एक लाइन, एक ही के गिनने हैं। और फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए 720, 720 का मतलब है कि इस तरफ, तो 1280 पिक्सल अगर इस तरफ को है, 720 इस तरफ को है, तो मल्टीप्लीकेशन से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि कितने पिक्सल्स इस स्क्रीन में, इसी को कहा जाता है रिजोल्यूशन। बात समझ में आई? रिजोल्यूशन सर एक बार रिपीट करना। हाँ, रिजोल्यूशन का क्या मतलब होता है, जैसे अभी आप आपके सामने आप किस चीज से पढ़ाई कर रहे हो, स्मार्टफोन से। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि आप इस स्मार्टफोन का रिजोल्यूशन कितना है, तो वो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे वो पूछ रहा है कि अपनी ये जो स्मार्टफोन है या कंप्यूटर है इस पर पिक्सल बताओ कितने हैं टोटल स्क्रीन पर। तो यहाँ पर CRT में देखो आप कितने, हम कैसे पता लगाएंगे कि टोटल पिक्सल्स कितने हैं स्क्रीन पर। हमने जो फर्स्ट लाइन स्कैन की हुई है इसमें इलेक्ट्रॉन बीम में, तो फर्स्ट लाइन में हमने देखना है कितने पिक्सल है, वो कितने बताएं 1280 एक ही लाइन। आपके स्मार्टफोन में ज़्यादा भी हो सकते हैं, ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि वो क्या, अब स्मार्टफोन ये तो पुरानी टेक्नोलॉजी है, स्मार्टफोन नई टेक्नोलॉजी है, वहाँ पर ज़्यादा ही होंगे। आप देख भी सकते हैं कैमरा और वीडियो की सेटिंग में जाकर देख लेना, वहाँ होंगे। तो रिजोल्यूशन कैसे निकलता है, हमने पहली लाइन के पिक्सल गिन लिए। अब गिनना मत शुरू कर देना अपने स्मार्टफोन के, आप नहीं गिन पाओगे, वो कंपनी गिन के देती है, पर गिन सकते हैं। देखो वो कैसे गिनते हैं, वो देखो, पहली लाइन में गिनते हैं 1280 और फिर इस तरफ की लाइन को गिनते हैं 720। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो पूरी स्क्रीन पर कितने पिक्सल है ये पता लग जाता है। अब लगा पता? यस सर। हाँ, उसके बाद तो यही बात लिखी है एडवांटेजेस में है कि क्या CRT का रिजोल्यूशन अच्छा है। तो आप समझ गए होंगे अब क्यों बोल रहा है ये इसलिए बोल रहा है कि CRT जो टेक्नोलॉजी आई थी उसमें काफ़ी ज़्यादा पिक्सल्स होते थे स्क्रीन में, और जितने ज़्यादा पिक्सल स्क्रीन में होंगे और जितने ज़्यादा वो छोटे होंगे उतनी बेटर क्वालिटी होती है किसी भी स्क्रीन में। दूसरा एडवांटेज देखो, CRT काफ़ी सस्ती टेक्नोलॉजी थी अगर प्रीवियस टेक्नोलॉजी से कंपेयर किए जाए तो। जैसे CRT मॉनिटर जिस टाइम आए थे तो वो 5-6 हज़ार का मॉनिटर आराम से मिल जाता था। हाई रिफ्रेश रेट्स, रिफ्रेश रेट का क्या मतलब होता है, बोल रहा है कि CRT कैथोड रे ट्यूब का रिफ्रेश रेट बहुत ज़्यादा होता है। आपको ये बताना चाहिए कि रिफ्रेश रेट होता क्या, ये टर्म्स आपने याद कर लेनी है क्योंकि मैंने पहले बता दिया
अगर सीआरटी की ये जो टर्म्स हैं आपको याद होंगी तो एलसीडी और एलईडी आराम से समझ में आ जाएंगे। अगर ये टर्म्स याद नहीं होंगे तो कुछ भी पता नहीं लगेगा कि क्या बोल रहे हैं। तो रिफ्रेश रेट क्या होता है? रिफ्रेश रेट का मतलब होता है आपको बताया गया कि क्या इलेक्ट्रॉन बीम स्कैन कर रही है हर एक लाइन, ऊपर से लेके नीचे तक, और बाएं से दाएं शुरू होती है, फिर एक लाइन नीचे आती है, फिर बाएं से दाएं, फिर एक लाइन नीचे आती है, फिर बाएं से दाएं, इस तरह चलता रहता है जितनी देर आपका स्क्रीन ऑन है। पर हमें पता नहीं लगता है, वो आपको बता दिए पहले, पता क्यों नहीं लगता। अब रिफ्रेश रेट क्या होता है कि कितनी बार जो ये लाइन है ऊपर से नीचे आ रही है, तो वो आपको बताया था, आपको ये 60 बार कि इसकी एक साइकिल जो है 60 टाइम की है, तो इसको आप 60 हर्ट्ज भी लिख देते हैं रिफ्रेश रेट।